हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस पूरे मूव को अगर आपको कोई होने से पहले मार्क करके बता दे तो कैसा रहेगा, लेकिन आपका फायदा कब है? जब आप उसके पीछे का रीजन समझोगे, उसके पीछे का लॉजिक समझोगे। तो यूट्यूब पे आज मैंने हमेशा की तरह होने से पहले इस पूरे मूव को मार्क करके बता दिया था कि इस तरह से मार्केट जाएगा, कितने ऊपर तक जाएगा, इस तरह से प्रॉपर मार्किंग करके बताया था। लाइव YouTube पे अभी भी अवेलेबल है, आप लोग जाके अभी भी पूरी लाइव देख सकते हो। 1.5 घंटे की लाइव है, कोई भी डबल साइडेड व्यू नहीं थे कि हाँ इसके नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो ही बाय करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बाय मतलब बाय सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लिए ही अपन डायरेक्शन देखेंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है और क्यों आता है? रीजन लॉजिक अगर समझोगे तो आपके लिए लाइफ टाइम वो चीज़ काम में आएगी। ठीक है, सबसे पहले अभी अपन समझते हैं लॉजिक, रिवर्स साइकोलॉजी या फिर रिटेलर्स की साइकोलॉजी किस तरह से एग्जैक्टली काम करती है। ठीक है, मार्केट साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलता है, पहले सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पे बात करते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे टेक्निकल्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले 3 दिन से मार्केट क्या कर रहा है या फिर 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है उसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिखता है, यहां पे मार्केट ने प्रॉपर दिन का हाई ब्रेक किया था, बायर्स को ट्रैप कर दिया था, यानी कि बायर्स ने यहाँ पे ट्रेड तो लिया लेकिन उनका ऐसे लेट हो गया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद फिर एक बार यहाँ पे एक इस तरीके का ब्रेकआउट आ गया था, यहाँ पे लोगों ने बाइंग तो की होगी, रिटेल बायर्स ने बाइंग पोजिशन बनाई होगी, लेकिन फिर से मार्केट ने क्या किया, उन लोगों का ऐसे लेट कर दिया। उसके बाद मार्केट फिर से तीसरे दिन क्या करता है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाता है, उसके बाद फिर से लोगों को यहाँ पे इन्वाइट करता है, लेकिन फिर से वो पैटर्न भी फेल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि कंटिन्यू मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स को इनवाइट तो कर रहा है लेकिन उनको पूरी तरह से रिमूव कर दे रहा है, उनके एसेलेट कर दे रहा है। अब मैंने लाइव में एक क्वेश्चन पूछा था, खास टाइम लेके क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप लोगों का 3 दिन से बाइंग साइड में एसेलेट हो रहा है तो कितना कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा आज भी बाई साइड ट्रेड लेने का। तो बहुत लोगों ने बोला था कि हाँ रिटेलर्स का तो इस तरह से कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। तो आप लोग रिवर्स साइकोलॉजी कैसे मार्केट में काम करती है वो एक बार देखो। अगर आप लोगों का 3 दिन से बाई साइड स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो फिर आप लोग गलती से भी चौथे दिन पे बाई साइड का ट्रेड लेने की नहीं सोचोगे और आप क्या करोगे, सेल साइड का ट्रेड लेने की सोचोगे और उसी दिन पे मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। ये होने से बाद नहीं, होने के पहले बताया था लाइव पे, लाइव अभी भी अवेलेबल है, पूरी लाइव देखना अगर आप पसंद करोगे तब तो बहुत ही बेटर है, बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया रीजन नंबर वन की साइकोलॉजी का कि आज अपन देखेंगे स्ट्रिक्टली बाई साइड। अब सेकेंड रीजन आ जाता है थोड़ा सा टेक्निकल। ठीक है, मान लेते हैं कि आप लोगों ने इन 3 दिनों का कोई भी यहाँ पे डेटा नहीं देखा था कि मार्केट किसको इन्वाइट रहा था, मार्केट यहाँ पे किसको ट्रैप कर रहा था, ये सारा आपने नहीं देखा। लेकिन आपको क्या करना है, सिंपली आपको देखना है रेजिस्टेंस पे मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किया, फिर सेकंड टाइम रेजिस्टेंस ने पे मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किया, फिर से तीसरी बार सेम यहाँ पे मार्केट ने इनवाइट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली आके सेम रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल्स बना रहा है। तो यहाँ पे भी लाइव में एग्जैक्टली मैंने बताया था कि किस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस पे अपन यहाँ पे जो सेलर्स है उसको इनवाइट कर रहा है मार्केट और सिंपली मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो रीजन नंबर सेकेंड क्या था कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है। अब सेलर्स को इन्वाइट करना है कर रहा है इस वर्ड से या फिर इस सेंटेंस से बिगिनर्स को कुछ समझेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जितने भी लोग नए हो, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है इसके आगे की स्टोरी क्या है। सेलर्स को इन्वाइट करेगा मार्केट, इसका मतलब ऊपर लोग एसएल लगाएंगे, ऊपर अगर सेलर्स स्टॉप लॉसेस लगाएंगे तो वही तो मार्केट को हिट करना है जिसके भरोसे पे मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, ये हो गया एक और चीज। अब एंट्री कैसे आपको लेनी है, एंट्री के बारे में अपन यहाँ पे थोड़ा सा सोचते हैं। ठीक है, एंट्री के बारे में अपन सिंपली जाएंगे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। आपको मैंने एग्जैक्टली क्या बताया था, आज अपन क्या करेंगे, एंटीसिपेट नहीं करेंगे कि यहीं से मार्केट जाएगा ऊपर, यहीं से मार्केट जाएगा। अपन क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने देंगे, अपन मार्केट को ऊपर जाने देने के बाद अपन पुल बैक के ऊपर एंट्री करेंगे। तो वेट फॉर मार्केट टू प्रूव देन एंटर ऑन पुल बैक। तो या तो आप लोग इस पुल बैक पे एंट्री कर सकते थे या तो फिर आप लोग जो फाइनली सेकेंड हाफ में, एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है टाइमिंग। मैं आपको गलती से भी ये नहीं बोल रहा था कि सुबह सुबह ही बाय करो, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि सेकेंड हाफ में ही रैली आएगी। ऐसा क्यों, देखिए मार्केट को पसंद नहीं है कि उसके मूव में रिटेलर्स वहां पे इन्वॉल्व हो जाए। मार्केट को अगर ऐसा लगता है कि जो रिटेलर्स है वो सुबह सुबह 11-12 बजे के बाद, 11-12 बजे के आसपास ही ब्रेकआउट पे आ चुके हैं, 11-12 बजे ही अगर रिटेलर्स पार्टिसिपेट कर लेंगे तो क्या मार्केट 12 बजे से 3 बजे तक रैली करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज है, तो सेकेंड हाफ का इंपॉर्टेंस समझ लो। अब सेकेंड हाफ में रैली आएगी उसका और एक जो रीजन है उसके बारे में अपन जानते हैं। अपने को
प्रीवियस डे पे क्या हुआ था, प्रीवियस डे पे अपने को एक अच्छा खासा मूव सुबह ही मिल गया था, उसके प्रीवियस डे पे भी रिवर्सल वाला मूव सुबह ही मिल गया था। ये सारे पॉइंट सब कुछ लाइव पे डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आप लाइव नहीं देखते हो तो डेफिनेटली आप लोग कल से लाइव ज्वाइन किया करो, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा किस तरह से अपने को मार्केट में ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी कि सुबह ही अपने को अच्छे खासे मूव मिल गए थे। लेकिन क्या आज के दिन पे सुबह अपने को अच्छे खासे मूव मिल गए थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। सुबह के पूरे टाइम में मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही था, और साइडवेज मार्केट होने की वजह से सेकेंड हाफ में रैली आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब एक और कंफर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, कितने कंफर्मेशन बता रहा हूँ आप लोग खुद लिख के ले लो इसको, ठीक है। पहला है रिवर्स साइकोलॉजी कि कितने दिन से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा है टेक्निकल कि रेजिस्टेंस पे सेलर्स को इन्वाइट कर रहे हैं, तीसरा है टाइमिंग सेकेंड हाफ वाला टाइमिंग, ठीक है। अब इस तरीके के जितने भी कंफर्मेशन मैंने आपको बताए आप इसको लिख लिया करो, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेलर्स के बारे में। क्या मार्केट जितने भी सेलर्स को ब्रेकडाउन दे रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, राइट, कंटिन्यूअसली मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, रेड 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 कैंडल्स तो बना रहा था, लेकिन क्या मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा था? बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो अपने को एक चीज पता चलती है कि इतने अच्छे डाउन मूव के बाद भी मार्केट सेम लेवल पे हॉल्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट को नीचे जाने का मूड नहीं है, ठीक है। ये हो गया एक और रीजन। अब सबसे मेन रीजन है वो है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या देखने को मिलेगा? डेली टाइम फ्रेम पे अपने को प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने को क्या देखने को मिलेगा? मार्केट स्ट्रक्चर अपने को सिंपली ये बताता है कि अगर मार्केट वोलाटाइल बिहेव किया है, दूसरे दिन भी वोलाटाइल बिहेव किया है, तीसरे दिन भी वोलाटाइल बिहेव किया, चौथे दिन भी वोलाटाइल बिहेव किया, पांचवें दिन भी कुछ खास मूव नहीं किया, तो 4-5 दिन से अगर मार्केट ने मूव नहीं किया है तो एक बेसिक चीज आ जाती है कि आज मार्केट जिस भी डायरेक्शन में निकलेगा वो कंटिन्यूएशन वाला डायरेक्शन रहेगा, वो एक बड़ा मूव रहेगा। तो अगर 4-5 दिन से मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आया है तो समझ लो कि 5वें 6वें दिन एक बड़ा मूव आएगा। सेम चीज अगर मार्केट में फिर से एक बार 4-5 दिन से इस तरीके का मूव नहीं आया है, समझ लो कि मार्केट में बड़ा मूव आएगा, बड़ी कैंडल बनेगी। आपका काम क्या है? पहले प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद अच्छा ट्रेड लेना, अच्छा डायरेक्शन बाद में डायरेक्शन सही करने के बाद उसमें सही से एंट्री ले लेना। आई होप आप लोगों को ये सारे रीजन समझ में आए होंगे, और एक दिन के पीछे कितने सारे रीजन होते हैं आप लोग खुद देख लो, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर से लेके बायर और सेलर को ऑब्जर्व भी करना पड़ता है कि कौन कब प्रॉफिट में, कौन कब ट्रैप है, 3 दिन से किसको ट्रैप करा है। और एक चीज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाली, मार्केट नीचे तो जा रहा था लेकिन छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा था, फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है, फिर मार्केट एम पैटर्न पे 2 बार आज मार्केट ने ट्रैप किया, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पे एक एम पैटर्न बना दिया, राइट। तो मार्केट को अगर नीचे जाना है ना तो मार्केट यहीं से नीचे चला जाता, यहीं से चला जाता। मार्केट को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि पहले ऊपर आए, रिटेलर्स को एक अच्छा प्राइस दे सेल करने के लिए एम पैटर्न पे, उसके बाद नीचे जाए, ठीक है। अब मार्केट कंटिन्यू ऊपर कैसे जाता है उसका एक एंड वाली टिप मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी मार्केट जब एक वन साइडेड मूव पकड़ता है ना तो मार्केट जानबूझ के इस तरीके के एम पैटर्न बनाता रहता है, सो दैट और सेलर्स आए और सेलर्स के भरोसे पे और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस के भरोसे पे मार्केट ऊपर जाता रहे। तो कभी भी इस तरीके का स्ट्रेंथ वाला मूवमेंट अगर आपको मिले ना तो उसमें कभी भी ऑपोजिट का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब रही बात ट्रैप ट्रेडिंग की, बहुत सारे लोगों ने ट्रैप ट्रेडिंग को इतना गलत समझ लिया है क्योंकि यूट्यूब पे गलत चीजें सिखाई जा रही है। यूट्यूब पे सिखाया जा रहा है कि चलो ब्रेकआउट हो गया अब ऑपोज में ले लो, क्या ये ट्रैप ट्रेडिंग है क्या? गलती से भी नहीं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को ट्रैप ट्रेडिंग ट्रेंड के साथ कैसे करना है वो सिखाया हुआ है। मास्टर कोर्स में न्यू सेशन अपडेट हो चुका है ऑलरेडी, ट्रेंड वाइज ट्रैप सेटअप। जो स्टूडेंट ने नहीं देखा है उनको मैं नोटिफाई करना चाहूंगा कि वो लोग चेक कर सकते हो, जिन्होंने देख लिया उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। तो ट्रेंड वाइज ट्रैप सेटअप के अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज बोलता हूं, एक बार मार्केट ने यहां पे दिन का हाई का ट्रैप बना दिया है तो सेकेंड टाइम फिर से जब मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो गलती से भी आप लोगों को क्या जरूरत है यहां पे ऑपोजिट में लेने की? बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे इधर उधर देखते हैं और फिर मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैंने ट्रैप ट्रेडिंग के बेसिस पे आज यहाँ पे ऑपोजिट में लिया था और ये तो काम ही नहीं किया। तो भाई ट्रैप ट्रेडिंग आपने किससे सीखी है? मुझसे सीखोगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा आपको कि हाँ ऐसी मिस्टेक ही नहीं आप कर पाओगे, क्योंकि ट्रैप ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है जितना लोग उसको बता रहे कि बस ब्रेकआउट होता है और ऑपोजिट में ले लो। इसके भी रूल्स होते हैं, इसके भी क्राइटेरिया होते हैं, इसके भी सिस्टम होते हैं, इसके प्रॉपर ट्रेंड वाइज कैसे ट्रेड करना वो सारी चीजें होती है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।